Hello guys, welcome to Let's Crack UPSC CSC. This is Anirudh Malik. I welcome you all on an Academy, India's largest online learning platform. So hello guys, hello to all. Hello everyone. So guys, today we are going to cover and proceed the second part of chapter कोस्टल लैंडफॉर्म्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे कोस्टल लैंडफॉर्म्स हैं इनका फॉर्मेशन कैसे होता है. कुछ हम बात भी कर चुके थे पर कुछ स्टूडेंट नहीं होंगे तो एक बार फटाफट उन टॉपिक्स को रिवाइज करके हम अच्छे से डिटेल में पूरी चीज़ों को कवर कर लेंगे कि जो हमारे कोस्टल है, जो हमारे सी बीचेस है, वहाँ पर जो लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं वो कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, उनका रीज़न क्या है बनने का, हमारे स्टैक केव्स आर्क ये बन किस तरह रहे हैं, पहला इम्पोर्टेंट थिंग. फिर दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये बनने के पीछे डिपोजिशनल फीचर कौन सा है, कौन सा आपका इरोजनल फीचर है, कौन सा कंस्ट्रक्टिव है, कौन सा डिस्ट्रक्टिव है, उसके बारे में बात करेंगे कि कौन सा फीचर उसे कंस्ट्रक्टिव बनाता है, कौन सा उसे डिस्ट्रक्टिव बनाता है. ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हम एक एक करके सारों को डिस्कस करने वाले हैं आज की अपनी इस क्लास में. और गाइस अच्छे से चीजों को कवर करेंगे और डिटेल टू डिटेल चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे. ओके गाइस, सो बिफोर स्टार्टिंग अ टॉपिक अगर मैं बात करूं अपने बारे में, दिस इज अनिरुद्ध मलिक. आई डन माय बीटेक फ्रॉम यूपीटीयू एंड आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 4 इयर्स एंड आई टॉट एंड मेंटर्ड मोर देन 20,000 ऑफ स्टूडेंट. एंड गाइस दिस इज अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में अगर मैं बात करूं, अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स के बारे में बात करूं, डेली लाइव क्लासेस होती है, पूरा कोर्स एक स्ट्रक्चर्ड वे में मिलता है, लाइव टेस्ट क्यूज होती है, अनलिमिटेड एक्सेस होती है जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, चीजों को अगेन एंड अगेन आप देखते रहेंगे. अगर मैं बात करूं एजुकेटर्स की तो इंडिया के टॉप 80 प्लस एजुकेटर अंडर दिस प्लेटफॉर्म अपना एक्सपीरियंस, अपनी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो आपके साथ शेयर करके आपका जो प्रिपरेशन लेवल है उसे एक अलग लेवल पर आपको ले जाने की हेल्प की जाएगी. अगर मैं बात करूँ गाइस कोर्सेज की तो इसमें फ्रॉम प्रीलिम्स जो बिल्कुल बेसिक टू इंटरव्यू एक एक पूरा कोर्स इंक्लूड है सब्सक्रिप्शन में. आपको प्रीलिम, सीसेट, ऑप्शनल, आपका कंपलसरी हिंदी इंग्लिश एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस सब्सक्रिप्शन कोर्स. और जिसकी अगर मैं बात करूँ कोर्सेज होंगे वो एक बहुत ही वेल मैनर्ड में होंगे, एक वेल स्ट्रक्चर्ड वे में होंगे. अगर चीज़ों को बात करें किस तरह होंगे तो आप किस तरह नहीं होगी कि ज्योग्राफी चल रही है तो ज्योग्राफी होगी, उसमें सेपरेट सेपरेट कोर्सेज होंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद अगर मैं बात करूं क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी और एंड आपके साथ फिजिकल ज्योग्राफी, तो ये सेपरेट प्लेलिस्ट होंगी. जिस वे में आप पढ़ना चाहते हो सारे सूटेबल वेज आपके लिए वहां पर अवेलेबल होंगे. अगर मैं बात करूं अनअकैडमी का जो आइकनिक सब्सक्रिप्शन है उसके बारे में बात करूं, उसके बेनिफिट्स के बारे में बात करूं गाइस, तो अनअकैडमी का जो आइकनिक सब्सक्रिप्शन है इसके जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है, आपको पर्सनल कोच मिलेगा जो कि आपको पर्सनल गाइड करेगा आपकी प्रिपरेशन में, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, प्रॉपर स्टडी प्लानर मिलेगा, पर्सनलाइज फीडबैक होगी. क्या होगा कि आपको जब पर्सनल कोच मिलेगा वो आपको पर्सनली गाइड करेगा चीज़ों को, कैसे आपको करना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, प्रॉपर एक स्टडी प्लानर मिलेगा कि आपको इस तरीके से, या एक बेस्ट सूटेड वे है जो प्रिपरेशन का वो ये है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं, वो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है, पर एक आपको प्लानर होगा, पूरा पर्सनलाइज फीडबैक होगा कि आपको ये चीज़ें कवर करनी है, इतना आप इस तरह कवर कर रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें एडवांटेजेस आपके लिए होंगी. अगर मैं बात करूँ अनअकैडमी के जो आइकनिक सब्सक्रिप्शन है इसके फी के बारे में, तो वन ईयर की फी है गाइस 64,000. अगर आप AM10 कोड यूज करते हैं तो यू विल गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट, आपकी फीस हो जाएगी 57,600. फॉर टू ईयर आइकनिक सब्सक्रिप्शन 99,000, AM10 कोड यूज करते हैं तो 89,100. अगर बात करें अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसके बारे में, तो गाइज अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है इसकी वन ईयर की फीस 44,000 है और AM10 कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा जिसकी फीस हो जाएगी 39,600. सो गाइज अगर मैं बात करूँ कोर्सेज की तो कोर्सेज तो सेम होंगे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है सब कुछ सिमिलर होगा, बस थोड़ा सा गाइडेंस और जो आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है उसमें आइकनिक में थोड़ा आपको एडवांटेजेस वहां पर मिलने वाली है. अगर हम बात करें गाइज टू ईयर अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसकी कॉस्ट है 64,000, अगेन आप कैपिटल AM10 कोड यूज करते हो, दैट इज द कोड कैपिटल AM10, यू विल गेट 10% डिस्काउंट, आपकी फीस हो जाएगी 57,600. सो गाइज दिस इज द बेस्ट वे और ट्रस्ट मी
आज के प्रेजेंट टाइम में इससे हाई क्वालिटी एजुकेशन आपको कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि सारी ऑफलाइन क्लासेस ऑफ है, उनके जितने भी बेस्ट फैकल्टीज है नाउ अवेलेबल ऑन अनअकैडमी। तो पूरा एक सिक्वेंशियल वे में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको चीजें मिलेंगी। AM10 कोड यूज करते हैं तो एज अ गाइड एज अ मेंटर मैं आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करूंगा बहुत ज्यादा, क्या चीज पढ़नी है क्या नहीं, क्या छोड़नी है, कौन सी रिसोर्सेज, कौन सी बुक लिस्ट। और मेरे कोड के साथ मेरे ही नहीं अनअकैडमी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी की जितनी भी फैकल्टीज है आप उन सब की क्लासेस कर सकते हैं। आ जाते हैं गाइज हमारा जो आज का टॉपिक है उसके ऊपर। तो फटाफट हेलो टू ऑल गाइज, गुड मॉर्निंग प्रेरणा, मनदीप, गोपाल, साहिल, दीपेश, अंशु, गुड मॉर्निंग टू ऑल गाइज, गुड मॉर्निंग। सो हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में हम आ जाते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, देन हम स्टार्ट करते हैं फटाफट। जस्ट मैं एक बार ओवरव्यू देता हूँ, जो हमारा पिछला पार्ट था ड्यू टू सम टेक्निकल इशू वो वीडियो स्टॉप हो गई थी, उसी को आज न्यू स्टूडेंट होंगे ताकि उन्हें कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी मिले, तो उन चीजों में मैं हल्का सा एड ऑन करके फिर चीजों को आगे मूव ऑन करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कोस्टल लैंडफॉर्म्स। गाइस जो कोस्टल लैंडफॉर्म्स होते हैं वो किससे बनते हैं, वो आपके ओशियंस या सी के रीजन से बनते हैं, और उसमें भी तीन फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, नंबर वन वेव्स, नंबर टू टाइड्स एंड नंबर थ्री ओशियन करंट्स। ये डिफरेंट डिफरेंट है, इनका जो फीचर्स है वो आपका डिफरेंट, सबका रोल अलग है, सबका पार्ट अलग है। अगर मैं बात करूं वेव्स, जो वेव्स आपकी बनती है वो हमेशा याद रखना, जो मूवमेंट ऑफ विंड होता है ना उसी से हमेशा वेव्स बनेंगी। जो वेव्स का मूवमेंट होगा ना गाइस अप एंड डाउन, वो हमेशा मूवमेंट ऑफ विंड होगा, विंड की स्पीड से होगा। जितनी ज्यादा विंड की स्पीड होगी उतनी ही ज्यादा वेव्स बनेंगी, उतनी ही हाई वेव्स बनेंगी। वहीं अगर मैं टाइड्स की बात करूं, टाइड्स हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स से बनती है सन और मून के। जो टाइड्स का जनरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून होता है। अगर फिर मैं वही बात करूं, जो ओशियन करंट होता है तीसरा फीचर, ये आपका डिपोजिशनल फीचर करता है। बेसिकली जो हमने करंट्स पढ़े हैं, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मूवमेंट को हम ओशियन करंट कहते हैं, इन अ पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन, आइदर इट इज मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल, आइदर फ्रॉम पोल टूवर्ड्स द इक्वेटर, इट्स डिपेंड ऑन द आइदर इट इज हॉट करंट आइदर इट इज कोल्ड करंट, इन चीजों पर डिपेंड करता है। उसका जो मूवमेंट है वो भी आपका एक जगह से दूसरी जगह पर आपका डिपोजिशनल फीचर करता है। और सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आ जाए लैंडफॉर्म्स कौन फॉर्म करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए मैक्सिमम जो लैंडफॉर्म है वो वेव्स क्रिएट करती है। वेव्स का सबसे ज्यादा लैंडफॉर्म बनाने के पीछे, बनने के पीछे वेव सबसे बड़ा लॉजिक है और आंसर है। ठीक है, ओके, हाँ इसी को आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर हम फिर उसके बाद आगे बात करते हैं क्या होता है, कैसे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। गाइस बेसिकली अगर मैं बात करूं वेव्स के बारे में, वेव्स कुछ भी नहीं है, वेव्स आपका मूवमेंट है ड्यू टू द विंड। जो विंड है उससे जो मूवमेंट होता है वेव का, उसे हम कहते हैं आपका कि जो हमारे कोस्टल लैंडफॉर्म्स है, जो मैरीन इरोजन हुआ है, जो कोस्टल एरिया पर इरोजन हुआ है, वो पावरफुल एजेंट कौन है सबसे ज्यादा, वो आपकी वेव्स है। ठीक है, और जब वेव्स मूव करती है तो विंड के साथ स्वेपिंग करती है वाटर के सरफेस को, और जब वाटर के सरफेस को वो स्वेप करती हुई जाती है तो उसके साथ छोटे छोटे सेडिमेंट्स भी जाते हैं, और जब छोटे छोटे सेडिमेंट्स जैसे ही सोलो, जो हमारी बीच है, सोलो वाटर है, जहां पर वाटर लेवल कम है, सैलो है, वहां पर वो उन्हें जाके क्या कर देती है, उन कोस्ट पर जाकर वो उन्हें डिपोजिट कर देती है, और हमारे लैंडफॉर्म्स का क्रिएशन होता है। वो इरोजन से भी होता है, वो आपका डिपोजिशन से भी होता है। बेसिकली क्या मैं बात करूं, कुछ नहीं होता। आप बोलोगे सर ये हमेशा कोस्टल एरिया पे ही क्यों होता है, हमेशा जो इरोजन और डिपोजिशन है ये कोस्टल एरियाज पे ही क्यों होता है। इसके पीछे अगर मैं बात करूं लॉजिक की, गाइस हमेशा आप एक चीज नोटिस करेंगे, ये मेरा ओशियन सरफेस है। ठीक है, आप एक चीज देखेंगे, जो वेव होती है वो मूव करती है, आपको ऊपर की तरफ इस तरह मूव करती हुई दिखेगी, पर वेव बेसिकली पूरा एक सर्कुलर वेव में इस तरह मूव करती है, समझ रहे हो, इस तरह वेव आपकी मूव करेगी। तो जो वेव का ऊपर वाला पार्ट होता है ये तो होता है क्रस्ट, और नीचे वाला होता है ट्रफ। ठीक है, तो ये क्रस्ट और ट्रफ, उसके बाद यहां पर दूसरी क्रस्ट, तो जहां पर एक क्रस्ट और दूसरी क्रस्ट होगी इन दोनों के बीच में जो गैप होगा इसे कहते हैं वेवलेंथ, इसे कहते हैं वेवलेंथ। तो गाइस जैसे जैसे जब वेव्स आपकी ओशियन के सरफेस के, जहां पर जो ओशियन लेवल है वो डीप होता है, तो वेव को अपनी वेवलेंथ कंप्लीट करने के लिए काफी अच्छा एरिया मिल जाता है।
तो वो अपना मूव करती रहती है, जैसे जैसे वो आपके बीच के पास पहुंचेगी, कोस्ट के पास पहुंचेगी, तो आप देखोगे कि इसका जो मूवमेंट है ना वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो क्या करेगी, यहाँ पर ये सेडिमेंट जो लेके आई थी ना सोलो वाटर में, जो सैलो वाटर था, वहां पर सैलो वाटर में वो सेडिमेंट्स को डिपोजिट करना स्टार्ट कर देती है, जो हमारी वेव्स होती है। ठीक है, जो हमारी वेव्स होती है वो क्या करना स्टार्ट कर देती है गाइस, सेडिमेंट्स को डिपोजिट करना स्टार्ट कर देती है, और उसी से हमारे बनते हैं लैंडफॉर्म्स, और वो हम एक एक करके कवर करेंगे अच्छे से क्या होता है। सबसे पहले आपको दो चीज समझनी है, जब आपकी वेव यहां से विंड की डायरेक्शन से होती हुई आपके सेडिमेंट्स लेके जाएगी उसे तो कहते हैं स्वेस। ठीक है, जब वेव्स यहां से इस तरह गई आपकी तो उसे कहेंगे स्वेस, और जब ये वापिस आएगी हिट करके तो उसे कहेंगे बैकवॉश। समझ में आ गया, जब वेव का मूवमेंट टूवर्ड्स द कोस्ट होगा तो उसे स्वेस कहेंगे, और उसके बाद आपने देखा होगा वेव्स एक बार ऊपर जाती है फिर दोबारा पीछे की तरफ फॉल बैक करती है, तो जब वो ऊपर जाएगी तो उसे तो कहेंगे स्वेस, और जब वो पीछे की तरफ आएगी तो उसे कहेंगे बैकवॉश। क्वेश्चन क्या बनेगा कि दोनों का रोल क्या है, दोनों का रोल क्या है, दोनों का रोल ये है कि सर जो स्वेस होता है ना वो जो ओशियंस के बड़े बड़े बोल्डर्स और स्टोन होते हैं उन्हें आगे की तरफ प्लेस कर देती है, और फिर क्या होता है जब ये वापिस आती है तो क्या होता है ये अपने साथ छोटे छोटे सेडिमेंट्स लेके आती है, या आपका मैं बात करूं सैंड लेके आती है, जो बीच की फॉर्म में डिपॉजिट कर देती है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो स्वेस है ना जब वो इस स्पीड से आएगी तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, उसका प्रेशर ज्यादा होगा, तो बड़े बड़े बोल्डर्स है ना उन्हें पीछे की तरफ वो क्या कर देगी, मूव कर देगी, पर जब वो वापिस आ रही होगी तो वापिस आते टाइम गाइस उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, तो वो इतने बड़े बड़े बोल्डर्स को अपने साथ नहीं लेके आ पाती, छोटे छोटे सैंड्स को और ग्रेनाइट इनको अपने साथ लेकर यहाँ पर बीचेस पे डिपोजिट कर देती है, जिसे हम बैकवॉश कहते हैं, जिसे हम बैकवॉश कहते हैं। फिर एक टर्म आती है अंडरटो, चीजें समझ आ रही हैं। बैकवॉश आपको पता होगा, कभी आपने फील किया होगा जैसे आप बीच पे जाएंगे तो उसका जो बीच से जैसे जैसे आप दूर होते चले जाएंगे तो आप फील करेंगे कि वहां पर बोल्डर्स हैं, पीबल्स हैं, स्टोन्स हैं, और जैसे जैसे आप कोस्ट के पास आओगे आपको दिखेगा माइन्यूट माइन्यूट सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जो कि आपके जब बैकवॉश वाटर आता है उसके साथ वहां पर आकर डिपोजिट हो जाते हैं सॉलो वाटर लेवल पे। समझ में आया, बताइए गाइज ये वाला पॉइंट जो मैंने अभी तक आपको बताया, क्लियर है? तो ये हमारा किसके बारे में हो गया, ये हमारा हो गया बैकवॉश। अब बात करते हैं अंडरटो। अंडरटो क्या होता है, जब आपने देखा होगा कि एक बार वेव ऊपर जाती है तो वेव नीचे की तरफ सर्कुलर मोशन करके वापस की तरफ दोबारा ओशियन में जाती है, जब वो वापस की तरफ ओशियन में जाती है ना उसी को कहते हैं अंडरटो। तो हमेशा हम ये चीज बोलते हैं कि जो हमारे स्विमर्स होते हैं वो हमारा कभी भी, जब आपकी क्या हो, जब आपकी वेव्स बैकवर्ड जा रही हो, अंडर टो एक्शन हो रहा हो, तो जो सी बाथर होते हैं उनके लिए वो आपकी डेंजरस होती है। जो ऑफशोर ड्रिफ्ट होती है अंडर टो, विच फ्लोज नियर द बॉटम अवे फ्रॉम द सोर, सोर से अवे जाती है, और उससे क्या होता है आपका अंडर टो होता है, और जो स्विमर्स होते हैं सी बाथर्स होते हैं उन्हें अपने साथ वो क्या करके ले जाती है, वॉश अवे करके ले जाती है। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि जब भी आपकी वेव्स वापिस जाए तो आप जितना भी सी कोस्ट है उस एरिया से आपको दूर हो जाना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपको? ओके गाइस, अब हम बात करते हैं सेकंड चीज के बारे में। जो सेकंड थिंग है हमारी, इरोजनल के बारे में बात कर लेते हैं कि इरोजनल किस किस टाइप से होते हैं। ओके, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं कि आपका जो इरोजनल फीचर है गाइस, थोड़ा सा मैंने पीछे का ओवरव्यू दे देता हूं क्योंकि बहुत स्टूडेंट न्यू भी होंगे जिन्होंने चीजें नहीं की होंगी, तो एक बार कभी कभी क्या होता है क्लासेस अटेंड करते हैं तो हमारा पार्ट छूट जाता है, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, 15 मिनट्स लगेंगे, 10 से 15 मिनट्स टोटल। हम बात करते हैं कोरोजन के बारे में। जो कोरोजन होता है ये क्या होता है, बेसिकली सिंपल सा पॉइंट है, कुछ नहीं होता, ये एक फॉर्म का इरोजन होता है जो हमारी आपकी जो वेव्स होती है, जो आपने देखा होगा कोस्टल एरियाज पे वो इरोजन करेंगी, उसे हम करोजन और एबर्शन कहते हैं, उसे हम करोजन और एबर्शन कहते हैं, जो हमारी वेव्स कोस्टल एरिया पर क्या करेगी, इरोड करेगी। वेव्स रॉक डेब्रिस को लेके डिफरेंट डिफरेंट साइज के
वो जो क्लिफ होगी उसका जो बेस होगा उसे वियर करेगी, मतलब उसे बार बार इरोड करेगी, उसे ही कोरेजन कहते हैं। ठीक है, उसे ही कोरेजन कहते हैं और इसे अबर्शन भी कहते हैं, याद रखना ये दोनों पॉइंट। ओके, अब बात करते हैं अट्रीशन क्या होता है। व्हाट इज अट्रीशन? अट्रीशन कुछ नहीं होता, आपकी जो वेव्स है वो आ रही है कहां से? कोस्टल एरियाज में आ रही है, समुद्र से। अगर मैं बात करूं सी या ओशियन से आपकी वेव का मूवमेंट हो रहा है, तो वेव का जो मूवमेंट होगा वो वाटर का काफी हाई स्पीड के साथ मूवमेंट होगा। तो जब कॉन्स्टेंटली जब वेव का मूवमेंट होता है ना, तो वो क्या करती है कि जो बीचेस होते हैं ना उसपे जो बोल्डर्स और पीबल्स होते हैं उन्हें आपका लेके आ जाती है, और कभी कभी उन बोल्डर्स और उन पीबल्स को जब मूव कर रही होती है तो अपने बीच में क्रैशिंग पॉलिशिंग करते हुए उन्हें स्मॉल स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट कर देती है, उन्हें स्मॉल स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट कर देती है, ब्रेक डाउन इंटू वेरी स्मॉल पीसेज, और उसी को एट्रिशन कहते हैं। क्या करती है? ग्राइंडिंग कर रही है उन्हीं रॉक पार्टिकल्स को, बोल्डर्स को, पीबल्स को, शाइनिंग पॉलिशिंग कर करके उन्हें जो लार्जर थे उन्हें स्मॉल पे करके उन्हें बीचेस पर डिपॉजिट कर रही है। उस इरोजन लैंडफॉर्म को कहते हैं एट्रिशन। ठीक है गाइस, उसे कहते हैं एट्रिशन। अब हम बात करते हैं एट्रिशन के बाद आगे वाला टर्म है जो हमारा कि ये देखिए एट्रिशन होता है आपका, इस तरह छोटे छोटे बोल्डर्स ये होते हैं, इनका क्रशिंग करके पॉलिशिंग करके इरोजन करती है। अब बात करते हैं कि हमारा हाइड्रोलिक एक्शन क्या होता है, हाइड्रोलिक एक्शन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज हाइड्रोलिक एक्शन? क्या हुआ? मेरी वेव का मूवमेंट हुआ, हमारी वेव का मूवमेंट हुआ, तो यहाँ पर रॉक के पार्टिकल्स, रॉक्स है आपकी, तो इन रॉक्स में क्या होता है, इन रॉक्स में क्रैक्स आते हैं, और इन क्रैक्स में क्या होता है, एयर होती है। तो जब इन क्रैक्स में एयर होती है और इधर से वेव्स हिट करती है इन रॉक्स को, तो जहां पर एयर होती है वहां पर वाटर एंटर करता है, और जहां पर एयर होती है वहां पर वाटर जब एंटर करता है तो एक ब्लो साउंड आता है, ब्लप साउंड इस तरह जब एंटर, तो जो ब्लो साउंड आता है वाटर एंटर करने के बाद इन क्रैक्स को क्या करती है, और ज्यादा वाइडनिंग करती चली जाती है, और जब वाइडनिंग करती चली जाती है उस एक्शन में होता है आपका इरोजन। यही तो बात कहा गया है कि जो आपकी कोस्ट में जॉइंट्स है ना उन रॉक्स के, वहां पर जो एयर होती है उन एयर के बाद क्या होता है, जब वहां पर आपका वाटर एंटर करता है तो एक ब्लॉप साउंड आती है, और एक्सप्लोसिव वॉयलेंस होता है जब वो आपका वाटर इंटर करता है, और उसके बाद जब ये एक्शन रिपीटेड टाइम्स होता रहता है, अगेन एंड अगेन होता रहता है, तो हमारी जो रॉक्स है ना वो एनलार्ज होती चली जाती है और रॉक्स में फ्रेगमेंटेड आ जाता है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट पीसेस में क्या हो जाती है, कट हो जाती है, जिसे हम इरोजन का फीचर है, दैट इज हाइड्रोलिक एक्शन। व्हाट इज सॉल्वेंट एक्शन? सॉल्वेंट एक्शन क्या होता है? अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 लाइमस्टोन, लाइमस्टोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो क्या होता है जब हमारा ये जो सॉल्ट वाटर होता है ओशियन का, जब ये कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, कोस्टल लैंडफॉर्म्स बनाता है, और उन्हीं कोस्टल लैंडफॉर्म्स को हम कहते हैं कास्ट टोपोग्राफी, और उसी कास्ट टोपोग्राफी से जो बनते हैं वो होता है सॉल्वेंट एक्शन, जो मलेशिया वलेशिया की आपको कोस्ट पर मिल जाएंगे। कहां मिल जाएंगे गाइस? मलेशिया की कोस्ट पर मिल जाएंगे, इसी से जो एक्शन होने से उसे हम सॉल्वेंट एक्शन कहेंगे। क्लियर है? बताइए ये जो मैंने इरोजन फीचर्स बताए हैं इसमें किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आपको ये बता दीजिए। क्लियर है गाइस? अगर सब चीज समझ आ रही है तो लाइक शेयर करते रहिए प्लीज, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। अब हम आते हैं आगे वाले फीचर पे, आज ये आगे वाले कोस्टल फीचर्स के बारे में बात करेंगे, केप्स और बेस के बारे में। आपने सुना है केप टाउन के बारे में, सुना है केप हॉर्न के बारे में, सुना है? केप कुछ नहीं होता, एक तरह से आपका कोस्टल में एक फीचर होता है जो इरोडेड नहीं होता, मतलब अगर मैं बात करूं एक लैंड का वो एरिया जो टूवर्ड्स द सी होता है, उसे केप कहते हैं। अभी मैं जब एक्सप्लेन करूंगा चीजें और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी। और हमेशा याद रखना जो बे होता है वो आपका क्या होता है, जो ओशियन होता है वो उसके अंदर एंटर करता है, और जो केप होता है वो लैंड का एरिया ओशियन में एंटर करता है। समझ रहे हो पॉइंट को?
अभी मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, तो पॉइंट समझ आ जाएंगे। यहाँ पर आ जाइए, अगेन हम चीजों को डिस्कस कर लेते हैं एक बार, व्हाट इज केप्स एंड व्हाट इज बेस। देखिए गाइस क्या होता है, अगर सिंपल सी टर्म, सिंपल लेमन्स एग्जांपल समझाने की कोशिश करूँ, क्या होता है हमारा एक सिंपल सा, दोबारा चीजों को, हमारा जो रॉक्स होती है ना उनका अरेंजमेंट होता है, रॉक्स का अरेंजमेंट होता है इस फॉर्म में, ये हो गई हार्ड रॉक, ये हो गई सॉफ्ट रॉक, ये हो गई हार्ड रॉक, ये हो गई सॉफ्ट रॉक, इस तरह अरेंजमेंट होता है। यहाँ से सी की वेव्स आ रही है, अब सी की वेव्स क्या करेंगी, इरोजन करेंगी, और जो सी की वेव्स इरोजन करती है ना गाइस, आपको एक चीज नोटिस करनी है कि जो आपकी सी की वेव्स जो इरोजन करेंगी वो हार्ड रॉक को तो इतना इरोड करेंगी नहीं, बट सॉफ्ट रॉक होंगी उनका इरोजन ज्यादा हो जाएगा, सॉफ्ट रॉक का इरोजन ज्यादा हो जाएगा, पहले इस तरह की लेयर में थी। तो क्या होगा, जब सॉफ्ट रॉक का इरोजन होगा तो गाइस हमारा बनता है आपका बेस और इनलेट। अगर जो आपका इरोजन ज्यादा डीप ना हो, ज्यादा ब्रॉड ना हो, उसे तो कहेंगे हम इनलेट, और उसी इनलेट को अगर हमारा ज्यादा बड़े फॉर्म में हो जाए उसे कहते हैं बेस, उसे कहते हैं बेस। और जहां पर जो हार्ड रॉक का फीचर है जो इरोड नहीं होता, इस वाले एरिया को हम कहते हैं केप, इस वाले एरिया को कहते हैं हम केप। समझ में आया आपको केप किस किस में क्या डिफरेंस है, केप किसे कहते हैं, क्या किसे कहते हैं चीजों को, ठीक है। सो जो हमारा केप है बेसिकली, अगर उसके बारे में हम बात करें, उसे डिस्कस करें, तो उसमें एक सिंपल सा कंसेप्ट देखिए, कुछ नहीं है, हार्ड और सॉफ्ट रॉक का खेल है, अल्टरनेट लेवल पर हार्ड और सॉफ्ट रॉक रखती है, और जहां पर ये देखिए जो हेडवर्ड होता है, हेडलैंड होता है, ये आपका केप होता है। केप टाउन सुना होगा आपने, आपने केप हॉर्न सुना होगा, और बहुत सारी चीजें हैं जो आपका टूवर्ड्स द सी होता है, और जो बेस होती है वो आपका टूवर्ड्स द लैंड होता है, इसमें सी एंटर करता है, और जब ये छोटा होता है इसे इनलेट कहते हैं, जब ये बड़ा हो जाता है इसे बेस कह देते हैं। समझ गए गाइस, तो ये सिंपल सा इतना कंसेप्ट है। अब हम बात करते हैं क्लिफ्स ऑफ वेव कट प्लेटफॉर्म होते क्या है, व्हाट इज क्लिफ एंड व्हाट इज वेव कट प्लेटफॉर्म। सिंपल सी बात है, दो चीजें समझनी है, समझ जाओगे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ नहीं है, बस आपको याद रखना है, दो चीजों पर डिपेंड करता है, जो आपका जॉइंटिंग है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए गाइस क्या होता है ना, जो हमारी क्लिफ का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कल से, जो भी और बेटर होगा। आप अगर एक चीज नोटिस करेंगे, जो क्लिफ और बेस है इसमें बेसिकली क्लिफ में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, जो क्लिफ होती है ना आपका कोई एक सरफेस एरिया है रॉक का, ये रॉक का जो सरफेस एरिया है आपका, ये हमेशा क्या होगा, ये जब भी वेव्स आएंगी, जब भी वेव्स आएंगी या टाइड्स आएंगी, इसमें जब भी टाइड इसे हिट करेंगी ना तो ये इरोजन होगा। जो ये रॉक का प्लेटफॉर्म है ना, ये जब भी इस पे बार बार टाइड आएंगी तो इरोजन करेगा, और जब इरोजन कंटिन्यू चलता रहेगा तो ये क्लिफ की फॉर्म में ले लेगा, ठीक है। और याद रखना ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ये जो क्लिफ बनते हैं ना गाइस, ये डिफरेंट डिफरेंट इरोजन से बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बनते हैं, बेसिकली ये डिपेंड होता है स्ट्रेटिफिकेशन और जॉइंटिंग ऑफ रॉक्स पे और देयर रेजिस्टेंस ऑफ अटैक। कैसे कैसे वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप अपनी जीसी लियोंग बुक में देखेंगे तो आप एक फीचर देखेंगे, क्या चीज नोटिस करेंगे कि आपकी दो तरह की रॉक होंगी, एक रॉक तो वो होंगी जो आपकी टूवर्ड्स द सी होंगी, एक रॉक ऐसी होंगी जो आपका ये क्लिफ है ना ये टूवर्ड्स द सी होगा। तो जब इसे हाई टाइड और लो टाइड इस पे हिट करेंगी ना तो इसका इरोजन ईजली हो जाएगा, ठीक है। मतलब इनका जो रॉक है ना ये टूवर्ड्स द सी होंगी, और कोई चीज आप यहाँ से हिट करोगे तो जल्दी फॉल बैक हो जाएंगी, तो इन क्लिफ का इरोजन इजली होता है। एक होती है आपका अवे फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड। कैसे, अगर मैं बात करूं, एक रॉक होंगी वो आपकी इस तरह अरेंज होंगी, वो इस तरह अरेंज होंगी, ठीक है। मतलब जो इनका प्रेशर है वो टूवर्ड्स द लैंड पड़ रहा है, तो जो इनका इरोजन होगा वो कम होगा। ये पॉइंट समझ में आया आपको, अगर नहीं आया तो जीसी लियोंग की बुक पास लेके बैठा करो, वहां देखो ये वाला फीचर जो मैंने अभी आपको बताया, देखिए एक बार ये वाला जो फीचर मैंने अभी आपको बताया, समझ में आया कि टूवर्ड्स द सी वाला रॉक का कंसेप्ट
और टूवर्ड्स द लैंड वाली रॉक का कंसेप्ट। जब टूवर्ड्स द सी होगी आपकी रॉक तो वो ज्यादा इजिली इरोड हो जाएगी, तो ये क्लिफ का कंसेप्ट है। अब हम बात करते हैं, ये चीज बताइए समझ में आया। अब बात करते हैं हमारा एक होता है वेव कट प्लेटफॉर्म। वेव कट प्लेटफॉर्म किस तरह बनता है, देखिए क्या हुआ, ये होता है इतना एरिया, इस एरिया को कहते हैं जोन ऑफ अटैक। मतलब यहाँ इस एरिया पर आपका लो टाइड आ रही है और पहले तो लो टाइड इरोजन करेगी, उसके बाद जो हाई टाइड है वो इस वाले एरिया तक इरोड करेगी। तो जब ये इस एरिया को इरोड करेगी यहाँ पर, यहाँ का जो सेडिमेंट्स आया वो आपका यहाँ पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब ये आपका सेडिमेंट यहाँ पर डिपॉजिट होगा तो इस सेडिमेंट को कहेंगे ऑफशोर टेरेस डिपॉजिट। मतलब ऑफशोर के ऑफ अपोजिट डायरेक्शन में ये जो सेडिमेंट्स है वो डिपॉजिट हो रहा है और यहाँ पर एक नॉच बन जाएगी। और आप एक चीज नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे करके इसका जो इरोजन है वो इस तरह हो जाएगा और आपकी इस तरह की एक लैंडफॉर्म बन जाएगी जिसे हम कहते हैं वेव कट प्लेटफॉर्म। वेव कट प्लेटफॉर्म समझ में आया गाइस, वेट कट प्लेटफॉर्म क्या होता है बताइए, ये चीज समझ में आ गई, वेट कट प्लेटफॉर्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ, समझ में आ गया वेट कट प्लेटफॉर्म। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ जो सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए ये हमारा वेव कट प्लेटफॉर्म बना है, कुछ नहीं हुआ, इरोजन होके क्लिफ टाइप में बन गई और वेव ने इस प्लेटफॉर्म को कट करते चले गए और जो ऊपर का सेडिमेंट्स इरोड होता चला गया था वो यहाँ पर लेयर की फॉर्म में डिपॉजिट हो गया और जो सेडिमेंट डिपॉजिट हुआ है यहाँ पर, ठीक है, वो आपका ऑफशोर टेरेस है। क्लियर है गाइस यहां तक। अब हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट फीचर, वो है आपका क्या केव आर्क और स्टैक स्टंप क्या होते हैं। बेसिकली बहुत जल्दी से चीजों को बताने की कोशिश करूंगा, कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर मैं बात करूं सिंपल सी, कुछ बात नहीं है सिंपल, मेरी रेगुलर क्लास 10:30 AM होती है मॉर्निंग में रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं केव आर्क स्टैक और स्टेम क्या होते हैं। बेसिकली कुछ नहीं होता, ये मेरी रॉक है, इसमें बार बार इरोजन हो रहा है, किसका, इसका वेव से, तो वेव बार बार इरोजन करके जो केव का लैंडफॉर्म बना देती है अंदर से, मतलब पीछे की तरफ से क्लोज एरिया और आगे से केव वाला बार बार इरोड कर रही है तो उसे तो कहते हैं केव। और जब इसका जो पीछे वाला एरिया है जब वो रिमूव हो जाता है और वाटर दोनों तरफ आपका क्या होने लगता है, ट्रांसफर होने लगता है, तब बनता है आपका आर्क, तब बनता है आर्क। और जब ये आर्क के ऊपर, जो आर्क के ऊपर ये क्लिफ है, जब ये क्लिफ भी आपकी रिमूव हो जाती है और दोनों तरफ, समझिए देखिए ये क्या हुआ, मेरी केव है पीछे से क्लोज है, उसके बाद क्या हुआ, ये केव मेरी पीछे से क्लोज थी, अब पीछे से, तब तक तो केव थी इरोजन से, अब क्या हुआ, पीछे से जो केव थी मेरी क्लोज थी, अब वो क्लोज नहीं है, अब वो इस फॉर्म में आ गई, ये वाटर दोनों तरफ हो रहा है, इसे मैं कहते हैं आर्क। और जब मेरी जो ऊपर का ये सरफेस है, जो ये वाला जो आपका यहाँ पर इरोड होगा, तो मेरे दो लैंडफॉर्म बचेंगे इस तरह, इसे कहेंगे स्टैग। और जब ये स्टैग आपके इरोड होके लो टाइड वाले लेवल तक आ जाए, ये लो टाइड वाला लेवल है और उसके नीचे, उन्हें कहेंगे स्टैम, उन्हें कहेंगे स्टम, समझ में आ गया, उन्हें कहेंगे स्टम। क्लियर है स्टम के बारे में, स्टम कैसे बना, स्टैक स्क्वेव ये सब चीज बता दिया। अब हम बात करते हैं हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या होता है जियोज और क्या होता है ग्लोब्स, जियोज क्या होता है, ग्लोब्स क्या होते हैं। बेसिकली क्या होता है, पहले बनता है आपका ग्लोब्स, पहले जो फीचर बनता है वो ग्लोब्स बनता है, उसी के बाद जियोज बनेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि पहले जियोज बन जाएगा फिर ग्लोब्स बनेगा, याद रखना ये वाला पॉइंट, हमेशा पहले ग्लोब्स बनेगा उसी के बाद जियोज बनेगा, ये फीचर आपका इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना इसे कि जियोज और स्लोप कैसे बनता है, ठीक है, ये आपका पॉइंट है। आज ये बात कर लेते हैं कैसे बने जियोज और ग्लोब्स। आइए देखिए क्या होता है, जब हमारी वेव्स होती है ना वो कंटिन्यूअसली ओकेशनली स्प्लैश करती रहती है रूफ के केव, जो केव होती है उसे बार बार, देखिए यहाँ पर केव बनी, बार बार वेव्स आई इसे हिट करती रही, यहाँ पर जो जॉइंट्स हैं उन्हें एनलार्ज करती रही। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये मेरी केव है, ठीक है,
इस केव में क्या हुआ, मेरा बार 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 हिट करता जा रहा है वाटर। अब हिट करने के बाद क्या होगा, इसका इरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, और जब इरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा तो ऊपर एक बहुत पतली सी थिन लेयर बचेगी, और जब ऊपर की लेयर भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, इरोड हो जाएगी नीचे से। समझ रहे हो ना, आपकी ये केव यहाँ से है और यहाँ पर वाटर ऊपर की तरफ जब निकलने लगे, और किसका, एक ब्लो होल के थ्रू एक ग्लप साउंड दे, क्या दे, ग्लप साउंड, प्लप, इस तरह आप देखते होंगे कभी भी, अगर आपने कोस्टल एरियाज में मूवी में भी देखा होगा तो आप नोटिस करेंगे चीजों का कि इस तरह ही होता है कि बार बार हिट कर रही है, फिर ऊपर का पार्ट भी रोड होने लगता है तो ब्लप साउंड आती है। ठीक है, क्या आती है, ब्लप साउंड आती है, और वही ब्लप साउंड क्या करती है, आपकी ग्लोब्स बनाती है। क्या बनाती है, ग्लोब्स बनाती है। ठीक है गाइस, क्लियर है आपको यहां तक, बताइए जो मैंने अभी तक पॉइंट डिस्कस किया। ओके गाइस, तो ग्लब के बारे में, ग्लब क्या हुआ ये पॉइंट समझ में आया, कैसे बना ग्लब। उसके बाद हम बात करते हैं जियोज किस तरह बनते हैं, जियोज में क्या होता है, जब हमारे ये ब्लो होल्स होते हैं ना तो क्या होता है, ऊपर का जो ये ऊपर एक इंच के ऊपर क्या होता था, सरफेस होता था, और बार बार ये जो यहाँ पर एक क्या बना था, एक ग्लब ग्लब बना था, होल बना था। अब क्या हुआ, जो इसके ऊपर का सरफेस है ना वो सारा ही इरोड हो गया, सारा ही इरोड कर दिया वेव्स ने, तो ऊपर का सरफेस बनने के बाद अंदर इस तरह की एक केव टाइप का शेप बन जाएगा, सी केव, और इसी को कहते हैं गियोज, इसी को कहते हैं हम गियोज। समझ में आ गया, गियोज किसे कहते हैं, क्लियर है, बताइए आपको ये पॉइंट समझ में आया। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की तरफ कि बीचेस कैसे बनते हैं। अभी तक तो हमने किसके बारे में बात की गाइस, अभी तक तो हमने बात की कि जो हमारे कोस्टल लैंडफॉर्म्स हैं वो इरोजन से कैसे बने। ठीक है, अब हम किसके बारे में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे डिपोजिशनल फीचर्स के बारे में, कि जो हमारे डिपोजिशनल फीचर्स हैं उससे क्या क्या होता है। और हमेशा याद रखना कि जो हमारा क्या होता है, जो हमारा इरोजनल है ना वो ऑलवेज क्या है, डिस्ट्रक्टिव फीचर है। डिस्ट्रक्टिव मतलब लैंडफॉर्म्स को ब्रेक कर रहा है, वो तोड़ रहा है, बट वहीं पर जो डिपोजिशन फीचर है वो कंस्ट्रक्टिव है, वो लैंडफॉर्म्स को बना रहा है, वो कंस्ट्रक्टिव फीचर है और इरोजन डिस्ट्रक्टिव फीचर है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, समझ में आ गया, क्लियर है आपको। देखिए हमने क्या बात की कि बीचेस का फॉर्मेशन कैसे हुआ, How beaches is formed, इसके बारे में हम बात करें। ठीक है कि beaches का formation कैसे हुआ, क्या होता है guys, आपका हमेशा याद रखना, एक दो चीजें मैं important समझा देता हूँ आपको। जो हमारे move होती है ना waves, waves move हो रही है, move होते 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 क्या करती है, वो जो swash आता है, जो swash आता है वो क्या करता है, boulders को पीछे की तरफ लगा देता है। जब backwash आता है ना तो बैकवॉश छोटे छोटे क्रिस्टल्स को जो बीच होते हैं, कोस्टल एरिया होता है, वहां पर डिपॉजिट कर देता है और बीच की फॉर्मेशन कर देता है। क्या कर देता है, बीच की फॉर्मेशन कर देता है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी लगून के बारे में, लगून्स के बारे में बताया था, किस तरह फॉर्म होते हैं लगून्स, इसी तरह तो होते हैं, जब स्वैश आता है तो आगे की तरफ वाटर चला गया, फिर क्या हुआ, जब बैकवॉश आएगा तो यहाँ पर सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाएंगे। अब वो सेडिमेंट डिपॉजिट हो गए पर वाटर तो यहीं पे रह गया, और यहाँ पर ये ओशियन हो गया, तो इनके बीच में ये सेडिमेंट्स का और ये पीछे वाला एरिया एक बैकवाटर लगून बन जाएगा, एक बैकवाटर लगून बन जाएगा ये वाला एरिया। किससे बनता है, ये जब स्वैश आता है और बैकवॉश वाटर आता है तो वो सेडिमेंट्स होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं, वाटर आगे की तरफ रह जाता है और वहां पर क्या बन जाता है आपका, वो आपका कहां पर कैसे हुआ ये हमने बता दिया। ग्लोब में कुछ नहीं है, ग्लोब कुछ नहीं है, जब भी आपका जो केव्स की तरह फीचर बनता जा रहा है, यहाँ पर देखिए केव है, यहाँ पर फीचर बार बार वेव्स इरोड कर रही है, इरोड कर रही है, जब इसका ऊपर का टॉप सरफेस है ना यहाँ पर एक होल हो जाए और यहाँ से एक ब्लब साउंड आए, जब वाटर जाए ब्लब साउंड और ऊपर से वाटर निकलने लगे, ये ग्लोब होता है। और जियोस क्या होता है, जब ये ऊपर की जो इसकी पूरी लेयर है ना सरफेस,
ये इरोड हो जाए और सिंपल इस तरह की लेयर बने और यहां से बार बार वाटर चलता चला जाए, उसे जियोस कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की तरफ, किस पे, बीचेस के बारे में। बीचेस हमने क्या किया, जो वेव्स होती हैं, जो बैकवॉश वाटर होता है वो डिपॉजिट करती है और उन्हीं से बीचेस बनते हैं। ठीक है, और जो इरोडेड मटेरियल है वो आपका ट्रांसपोर्ट हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट डिस्टिंक्ट वे में टूवर्ड्स द शोर, मतलब शोर पे अलग अलग तरीके से वो आपका क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। एक होती है लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट। क्या होती है लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट, ये समझने वाली बात है, हमेशा याद रखना लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। हमेशा क्या होगा गाइस, आपकी जो वेव है ना, देखिए लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट क्या होती है, ये वाला कंसेप्ट समझिए। हाँ बता देंगे, अभी रुकिए, अभी पहले इस कंसेप्ट को समझिए। देखिए लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट क्या होती है, ये पॉइंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई मुझे बताएगा आप लोग क्या समझते हैं लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट से? बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा, जिसे कहते हैं मतलब समझने लायक कंसेप्ट है, जिसमें लगेगा कि हाँ अच्छा इस रीजन से हो रहा है चीजें का फॉर्मेशन। देखिए क्या होता है, हमेशा याद रखना, ये मेरी वेव्स आई, ये मेरी वेव्स आई, और ये क्या आई, स्वैश आई, स्वैश, और मैंने क्या बताया था, ये बैकवॉश आया, ये स्वैश आया, ये बैकवॉश आया, ये स्वैश आया, ये बैकवॉश आया। और हमेशा याद रखना कि जो इनका मूवमेंट होगा, हमेशा याद रखना इनका मूवमेंट ऑब्लिकली होगा, इनका मूवमेंट कभी भी स्ट्रेट नहीं होगा, हमेशा ऑब्लिकली होगा। क्यों होगा, क्योंकि विंड की डायरेक्शन इधर से आ रही है, जो विंड की डायरेक्शन होती है वो इन्हें स्ट्रेट मूव ना करके ऑब्लिकली मूव करने पे मजबूर करती है स्वैश और बैक वाटर को, स्वैश और बैक वाटर को, जिसके उससे क्या होता है, जो सैंड का मूवमेंट है वो हमेशा इस तरह होगा, इस तरह डिपॉजिट होगा सैंड, ना कि कभी इस तरह, सैंड हमेशा लॉन्ग शोर इस वे में डिपॉजिट होगा, इसे कहते हैं लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट। समझ गए, हमेशा लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट में क्या होगा, वेव्स कभी भी आपकी स्ट्रेट नहीं, ऑब्लिकली आपकी मूव करेंगी, कैसे, पहले स्वैश फिर बैक, स्वैश बैक, और आप देख देखिए ये स्ट्रेट मूव नहीं कर रही है क्योंकि विंड की डायरेक्शन ऑब्लिकली इन्हें मूव करने के लिए मजबूर कर रही है। ठीक है, हाँ क्या हो रहा है कि ये जा तो इस एंगल पे रही है, फिर उसके बाद जो बैक वाटर आ रहा है वो स्ट्रेट आ रहा है, देखो फिर ये एंगल पे आया, फिर बैक वाटर आया, फिर एंगल पे आया, फिर बैक वाटर आया, फिर यहां पर ये गई एंगल पे, फिर बैक वाटर आया। क्यों हो रहा है, ड्यू टू ऑब्लिकली मूवमेंट ऑफ वेव्स, वेव्स का ऑब्लिकली मूवमेंट होगा तब होगा ये आपकी लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट। कंसेप्ट क्लियर है ये वाला, बताइए आप लोग, बताइए ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर है गाइस, किसी भी तरीके का किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो कहीं से भी। आगे की तरह करें हम स्टार्ट, फिर आगे के लिए कुछ जो जो चीजें हैं हमारी डिस्कशन के लिए बताइए, क्लियर है? ओके, अब हम बात करते हैं कि हमारे स्पिट्स और बार बनते हैं, ये बीचेस का हो गया। बीचेस क्या हो रहा है, बीचेस में कुछ नहीं हो रहा, कॉन्स्टेंट एक्शन हो रहा है वेव्स का, वेव्स कॉन्स्टेंटली हिट कर रही है ऑटोमेटिकली शोर लाइन पे, और जब शोर लाइन पर हिट करेगी तो आपको मैंने क्या बताया, जब स्वैश गया तो स्वैश ऊपर की तरफ तो बड़े बड़े बोल्डर्स को ड्रॉप कर देगा। देखिए कर्सर मटेरियल्स आर ड्रॉप्ड बाय द एट द टॉप ऑफ द बीच यहाँ पर, बट जो बैक वाटर आता है वो आपके कैरीड करता है फाइनर पार्टिकल, जो बैक वॉश होती है वो फाइनल पार्टिकल को कैरीड करती है और सी के क्लोज में कर देती है और यहाँ पर बना देती है बीच, और जो ये ऊपर की तरफ गया था ये आपके बोल्डर्स चले जाएंगे क्योंकि जो स्वैश है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी कंपेयर टू बैकवॉश। वाटर वापस आने में वो उन बोल्डर्स को, उन पीबल्स को, उन बड़े बड़े स्टोन्स को वापस ला के कोस्ट पे नहीं ला सकती, वो टॉप पर ही आपके रह जाएंगे, वापस तो सिर्फ फाइन ग्रेन आपका मेटेरियल आएगा जो बैकवॉशर के थ्रू आएगा और वही बीच का फॉर्मेशन करेगा। ओके गाइस, तो ये हमारा हो गया किसका, बीचेस के बारे में। अब बात करते हैं स्पिट्स और बार के बारे में। स्पिट्स और बार क्या होता है, हमेशा एक चीज याद रखना जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं,
जो वेव होगी वो किस तरह मूव कर रही है, वो आपकी ऑब्लिकली मूव कर रही है। क्या कर रही है? ऑब्लिकली मूव कर रही है वेव। तो जब वेव ऑब्लिकली मूव करेगी तो हमेशा याद रखना वो क्या करती है, ऑब्लिकल मूव करने पर डिपोजिट करती है। इस तरह क्या करती है, डिपोजिट करती है बीच पे, और जो ये डिपोजिशन करती है ऑब्लिकली नियर द बेस उसे कहते हैं स्पिट्स। आपने देखा होगा कोस्टल एरियाज पर वेव ऑब्लिकली उसे क्या करेगी, सैंड्स को इस तरह नहीं लगा रही है। देखिए अगर इस तरह लगाती तो पहले पीछे की तरफ जाता ना ये। अगर वेव इस तरह इसे अरेंज करती, जो आपका बीचेस है फॉर्मेशन होता तो पीछे की तरफ होता पहले, तो फिर बट क्या कर रही है, वेव वेव इस तरह बना रही है इसे, किस तरह, ऑब्लिकली स्पीड से। तो ऑब्लिकली बनाने में इस तरह का जो लैंडफॉर्म का क्रिएट होगा उसे स्पिट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्पिट कहते हैं। और गाइस जब आपका स्पिट बनते टाइम, जब आपका स्पिट बनेगा और स्पिट बनते टाइम आपका क्या होगा, यहां पर एक हुक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा सैंड के कलेक्शन का, उसे हम कहते हैं हुक, उसे हम कहते हैं हुक। समझ में आ गया? उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गाइस हम हुक। अब बात कर लेते हैं, देखिए क्या हुआ। द डेब्रिस इरोडेड बाय वेव्स इन इज कंटिन्यूटली मूव्ड लॉन्ग शोर लाइन ड्रिफ्ट। मतलब ये एक लॉन्ग शोर लाइन ड्रिफ्ट बनाती हुई आ रही है, इधर से नहीं, एक ऑब्लिकली लॉन्ग शोर लाइन ड्रिफ्ट बना रही है, जिससे क्या होगा, जो इंडेंटेशन कोस्ट होगी, इंडेंटेशन कोस्ट मतलब इररेगुलर कोस्ट, वो कोस्ट जो कि इररेगुलर होगी, और जहां पर रिवर का माउथ होगा वहां पर क्या होगा, ये आपका डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब ये पाइल होना स्टार्ट हो जाएंगे तो ये क्या करेगा, आपका स्पिट बनाएगा, स्पीड बनाएगा। और जब ये वाला पार्ट, जब ये वाला पार्ट यहां से तो कनेक्ट है, यहां से भी कनेक्ट हो जाएगा तो ये बार बन जाएगा, तो ये बार बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा गाइस, बार बन जाएगा जब ये अपोजिट साइड से भी लैंड से अटैच हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक आपको? और फिर क्या होता है, फिर क्या होगा, जैसे यहां पर ये बे है, देखिए समझने की कोशिश करना। अभी ये मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, यहां पर थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीजों को समझने में प्रॉब्लम होगी, हल्का सा चीजों को समझोगे ना तो आपको ज्यादा क्लियर होगी। देखिए क्या हो रहा है, आपका जब यहां पर ऑब्लिकली वेव आ रही है, ये मेरा सरफेस है, प्रॉब्लम ये देखिए, यहां से सरफेस से वेव आ रही है ऑब्लिकली, तो वो आपका डिपॉजिट करती चली जाएंगी सैंड्स को इस तरह, उसे तो कहेंगे स्पिट। और उसके बाद स्पिट के बाद यहां पर जब वो सैंड का डिपोजिशन एक हुक लाइक शेप में हो जाएगा तो उसे कहेंगे हुक, ओके। उसके बाद क्या होगा, जब जहां पर हमारी माउथ है रिवर का, और उस बे के पास जो रिवर का माउथ है, उस माउथ के पास ये बे बनकर सारी चीजें डिपॉजिट हो जाएंगी, उस एरिया को कहेंगे बार, उस एरिया को कहेंगे बार। और जब ये स्पिट बनने के बाद बार बनेगा, और यहां पर एक बार है, और इधर मान के चलिए ये तो आपका बे हो गया, पर यहां पर एक आइलैंड बना हुआ है, ये वाला ये आइलैंड बना हुआ है, और इस आइलैंड को भी यहां से बार क्लोज्ड कर दे तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे टॉम्बोलो, टॉम बोलो कहेंगे उसे, जब दोनों बार आपका आइलैंड का जो एरिया है उसे क्लोज कर दे यहां से, उसे टॉम बोलो कहेंगे। आप एक बार जीसी लियोंग में देखेंगे तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, थोड़ा सा भी बिल्कुल नया कंसेप्ट है, आप जब ऑब्लिकली वेव्स में कंफ्यूज हो रहे हैं, जब खुद से एक बार चीजें पढ़ेंगे तो आपको बेटर क्लियरिटी हो जाएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। अभी आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ रही होंगी, बस यही मैं चीजें समझाना चाहता हूँ अभी आपको, समझ में आ गए? समझ में आया गाइस? यहां तक जो पॉइंट्स क्लियर किया वो किसी को डाउट है? जब और अपने एंड से करोगे ना, एक दो बार चीजें करोगे तो और अच्छे से क्लियरिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एक दो टॉपिक हैं जिसमें कंफ्यूजन रहेगा आपको, पर धीरे धीरे जैसे चीजें करोगे वो आपकी क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है। आप यहां पर देखिए, यहां पर
यहाँ पर एक आइलैंड बना हो जैसे, और ये देखिए ये वाला बार, और ये आइलैंड को यहाँ पर ये जो स्पिट बार बना है ये बार कवर कर दे इस तरह, तो यहाँ पर एक बार और दोनों तरफ से, तो इसे कहेंगे टम बोलो। हाँ स्पिट कोस्ट होगा, कोस्टल एरिया पर है स्पिट। स्पिट क्या आपकी जो सैंड से यही तो डिपोजिशन हो रहा है, ये ऑब्लिकली डिपोजिट हो रहा है आपका, ऑफशोर डिपोजिट हो रहा है, ठीक है ये पॉइंट याद रखना है। अब बात करते हैं मरीन ड्यून्स क्या होती है, व्हाट इज मरीन ड्यून्स, मरीन ड्यून्स क्या होती है। मरीन ड्यून्स कुछ नहीं होती, जैसे आपने सैंड ड्यून्स देखा है, सैंड ड्यून्स के बारे में सुना है आपने, डेजर्ट एरिया में विंड मूव करके आती है और कहीं पर एक जगह सैंड को डिपोजिट कर देती है और वहां पर एक पूरा इस तरह माउंटेन की टाइप में, अगर रिज की टाइप में बन जाता है, उसे सैंड ड्यून्स कहते हैं। इसी तरह जो कोस्टल वेव्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो ऑनशोर विंड लाती है टूवर्ड द शोर, और जब लेके आती है कोस्टल एरिया पर तो लैंड की तरफ आपकी ड्यून्स बनाती है इनटू द बेल्ट्स। एक ड्यून्स बना दी डिपोजिट करके, एक ड्यून्स बना दी, एक ड्यून्स, और इन्हें कहते हैं ड्यून बेल्ट्स। समझ में आया मैरीन और ड्यून बेल्ट्स क्या होता है, क्लियर है। व्हाट इज मैरीन ड्यून्स एंड ड्यून बेल्ट्स, ये हमारा मैरीन और ड्यून बेल्ट्स होता है। ओके समझ में आ गया, ये सिंपल सा इतना कंसेप्ट है। जैसे हमारा सैंड ड्यून्स बनती हैं, उसी तरह जब आपका ये देखिए मैरीन ड्यून्स है, क्या किया आपका कोस्टल, उससे आई सारा सैंड्स यहाँ पर डिपोजिट कर दिया, ये मैरीन ड्यून्स हो गई, एक यहाँ पर और मैरीन ड्यून्स हो गई, एक और हो गई, इन्हें सबको बोल देंगे ड्यून बेल्ट्स। ओके अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोस्ट, कोस्ट कितने टाइप्स की होती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। टाइप बेसिकली दो टाइप्स की होती है जो हमारी कोस्ट होती है, एक तो होती है सबमर्जेंस कोस्ट और एक होती है इमर्जेंट कोस्ट, ठीक है। ओके एक तो होती है सबमर्जेंट कोस्ट और एक होती है इमर्जेंट कोस्ट। क्या होता है आपका कि जो चीजें समझनी है कि क्या क्या होता है और कौन कौन सी कोस्ट इसमें फॉर्मेशन होती है। जो कोस्ट लाइन होती है ना सबमर्जेंस कोस्ट की, सबमर्जेंस कोस्ट मतलब वो वाला एरिया लैंड का जो सी में सबमर्ज हो रहा हो, लैंड का वो वाला एरिया जो सी में सबमर्ज हो रहा हो, या तो ऐसा हो जाए या लैंड का एरिया वही हो सी का लेवल राइज हो जाए। कोस्ट लाइन दो तरीके से बनती है, एक तो सबमर्जेंस होती है और एक इमर्जेंस, ठीक है। तो जो सबमर्ज हो रही है कोस्टल एरिया के अंदर वो या तो तब होगी जब लैंड आपका श्रिंक कर जाए, लैंड नीचे की तरफ सबमर्ज हो जाए, या लैंड वही रहे ओशियन लेवल राइज कर जाए। तो ये आपके दो तरीके से बनती है सबमर्जेंट कोस्ट, और इसके एग्जाम्पल है रिया कोस्ट, फ्योर्ड कोस्ट, एस्चुरीन कोस्ट और डालमिशियन कोस्ट, इसे लॉन्गिट्यूडनल कोस्ट भी कहते हैं। कैसे बनती है, इन्हें एक एक चीजें करके हम कवर करेंगे, ये हमारा इंपॉर्टेंट हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं कोस्ट लाइन ऑफ एमर्जेंस कोस्ट, जो हमारी एमर्जेंस कोस्ट है वो कैसे है। या तो हमारा जो लैंड एरिया है ये अपलिफ्ट हो जाए, सी एरिया है इससे अपलिफ्ट हो जाए, या जो सी लेवल है वो आपका श्रिंक कर जाए या फॉल हो जाए, तब बनेगी इमर्जेंस कोस्ट। समझ में आया सबमर्जेंस और इमर्जेंस कोस्ट कब बनती है, गाइस क्लियर है सबमर्जेंस और इमर्जेंस कोस्ट कब बनती है। ओके अब हम बात करते हैं कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस, जो हमारी कोस्ट लाइन सबमर्ज हुई, या तो लैंड का एरिया क्या हो गया सबमर्ज हो गया, या हमारा जो ओशियन सरफेस है वो राइज हो गया, दोनों पॉइंट याद रखने हैं इसमें, ठीक है। तो किस तरह बनती है, सबसे पहले बात करते हैं रिया कोस्ट कैसे बनती है, इसे कहते हैं ड्रोन रिवर वैली। क्या हुआ, जो हमारा जब आइस एज का टाइम था, तो आइस एज के टाइम में क्या हुआ गाइस, हमेशा याद रखना, आइस एज के टाइम में क्या हुआ कि जो हमारा सारा वाटर था ना वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, और मेल्ट होना स्टार्ट हो गया तो क्या हुआ, सी लेवल राइज करने लगा। सी लेवल राइज करा, सबमर्जेंस कोस्ट में क्या होगा, या तो लैंड लेवल क्या हो जाए डिक्लाइन कर जाए, या सी कोस्ट रब कर जाए, तो सी कोस्ट ने सबमर्ज हो गया। तो क्या हुआ, जो अपलैंड कोस्टल रीजंस थे जहां पर माउंटेन 90 डिग्री है कोस्ट से, दिस इज द मेन पॉइंट, मतलब जहां पर जो माउंटेन है वो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है आपका किससे, ओशियन से, वहां पर बनती है रिया कोस्ट। मतलब जहां पर इस शेप में माउंटेन लगे हुए हैं
और एक माउंटेन है कि आपके इस तरह बने हुए हैं। आप इन्हें डिफ्रेंशिएट करना समझिए, जो मैं माउंटेन बता रहा हूं सारा खेल इन्हीं का है, जहां पर माउंटेन और जो रिजिज है ना 90 डिग्री है कोस्ट से, उसे तो कहते हैं रिया कोस्ट। और जहां पर माउंटेन आपका यहां पर ये परपेंडिकुलर पैरेलल है, यहां पर जहां पर पैरेलल टू द कोस्ट है, दो तरीके से माउंटेन बनेंगे। क्या बनेंगे? दो तरीके से माउंटेन बनेंगे। एक तो बन रही है रिया कोस्ट में, तो हमेशा याद रखना जो माउंटेन रिज होगी ना वो पैरेलल होगी, 90 डिग्री पे होगी कोस्ट के, और यहां पर पैरेलल होगी, एक पर पैरेलल होगी, किसमें? डाल्मीशियन कोस्ट में पैरेलल होती है। ये पॉइंट याद रखना है आपको, समझ में आ रहा है? तो क्या होता है, जब आपका जो माउंटेन रिजिज होती हैं वो 90 डिग्री पे होती हैं, और 19 डिग्री पे होने के बाद जो वेव्स होती हैं वो इरोड करती हैं। क्या करती हैं? व्हेन द माउंटेन्स एट राइट एंगल टू द सी है, तो कोस्ट क्या होता है, जो हमारा सबमर्जेंस होता है उसका जो लोअर पार्ट है वो आपका नैरो हो जाता है, यहां से ये वाला पार्ट नैरो हो जाता है। और ये रिवर वैली में बन रही है, याद रखना ये रिवर वैली में बन रही है, जिनकी रिवर वैली ब्राउन रेड है, मतलब जो आपका एंगल बना हुआ है। याद, देखो एक चीज बताइए, यहां पर एक माउंटेन इस तरह है, ये राइट एंगल है, तो यहां पर जो कट कर कर इरोजन बन रहा है, समझ रहे हो पॉइंट को आप? यहां पर कट कर कर जो इरोजन बन रहा है इस तरह से, वहां पर रिया कोस्ट बनेगी, हमेशा याद रखना। ये हमेशा रिवर वैली में बनती है, याद रखना रिया कोस्ट हमेशा रिवर वैली में बनेगी, समझ रहे हो इस पॉइंट को? और जो फ्योर्ड कोस्ट है वो हमेशा ग्लेशियट वैली में मिलेगी। देखिए कुछ चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे, कुछ पॉइंट है जो आपको धीरे धीरे समझ आएंगे, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखिए कुछ नहीं है, आप एक सिंपल सा पॉइंट समझिए, एक सिंपल कंसेप्ट है, जब भी माउंटेन 90 डिग्री पे हो कोस्ट के, तो वहां पर बनेगी रिया कोस्ट, पहला पॉइंट। हमेशा कहां बनेगी? रिवर वैली में बनेगी। कहां बनेगी? रिवर वैली में बनेगी। और हमेशा याद रखना कि जैसे जैसे आप सी के तरफ चलते चले जाओगे, जैसे जैसे आप टूवर्ड्स द सी चलोगे, इसमें जो डेप्थ होती है वो इंक्रीज होती है, और जैसे जैसे टूवर्ड द कोस्ट आओगे आपकी डेप्थ कम होगी। ठीक है, क्या मैंने बताया कि जैसे जैसे आपकी जो रिया कोस्ट है वो हमेशा कब बनेगी? रिवर वैली में बनेगी, जहां पर रिवर वैली बन रही है, वो रिवर वैली क्या करेगी, इन्हें इरोड करके यहां पर ये कोस्ट बना देगी, रिया कोस्ट। ठीक है, पहला पॉइंट, जैसे जैसे रिया कोस्ट में आप डेप्थ टूवर्ड्स द सी जाओगे तो डेप्थ बढ़ेगी, और जैसे जैसे आप टूवर्ड्स द कोस्ट आओगे डेप्थ कम होगी। और यहां पर जो माउंटेन है वो ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, किसके साथ? सी के साथ। ठीक है, ये पॉइंट है। अब बात करते हैं दूसरी कोस्ट की, तो इसमें क्या होता है, रिया कोस्ट में जो कोस्टल इनलेट होते हैं वो पार्शियल सबमर्ज कर जाते हैं, और पार्शियल सबमर्ज करने से ही तो आपकी क्या होगी, जो ये कहां पर बनेगी, अनग्लेशिएटेड रिवर वैली में बनेगी, दैट ओपन्स टू द सी, समझ रहे हो? और जैसे जैसे आप रिवर वैली टूवर्ड्स द कोस्ट जाओगे, आप चीजों को फील करोगे कि कहां पर बन रही है, इंटेंडेड, जहां पर इररेगुलर कोस्ट है, और टूवर्ड्स द सी जाने पर आपकी जो डेप्थ है वो इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे आप टूवर्ड्स द सी से बाहर आओगे, कोस्टल एरिया से इधर की तरफ आओगे, टूवर्ड्स द लैंड जो डेप्थ होगी वो आपकी कम होगी। चीजें समझ आ जाएंगी एक बार एनसीईआरटी पढ़ना, जो मैंने पॉइंट बताए हैं वो बिल्कुल आपको क्लियर होने लगेंगे जैसे आप चीजों को पढ़ोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की तरफ, जो दूसरा होता है, बेसिकली जो रिया कोस्ट होती है ना गाइस, ये आपका बस एक बेसिक डिफरेंस होता है रिया कोस्ट में और आपका किसमें, फ्योर्ड कोस्ट में।
जो रिया क्वेस्ट होती है वो ग्लेशिएटेड नहीं होती, वो ग्लेशिएटेड नहीं होती, और जो डेप्थ है ना इंक्रीज टूवर्ड द सी होती है इसकी। रिया कोस्ट क्या होगी, एक तो ग्लेशिएटेड नहीं होगी, रिवर वैली होगी, और जैसे जैसे टूवर्ड द सी जाएंगे डेप्थ इंक्रीज होगी, वो क्या होगा, जो फ्योर्ड कोस्ट होगी वो आपकी ग्लेशिएटेड वैली होगी, और उसमें क्या होगा, टूवर्ड्स द जैसे जैसे हम सी की तरफ जाएंगे ना तो कुछ देर तक आपकी जो डेप्थ है वो कम होगी, सैलो कोस्ट होगी, सैलो कोस्ट होगी। और जो रिया कोस्ट है इसी में क्या होता है, आपका जो नेवल बेस है, जो आपके फिशिंग पोर्ट है, वो बेसिकली इन्हीं एरिया में बनाते हैं। अब बात करते हैं फियोर्ड कोस्ट के बारे में, अब बात करते हैं फियोर्ड कोस्ट के बारे में क्या होता है। सिंपल है, कुछ नहीं है, एक सिंपल सा बात है, जैसे जैसे टाइम हुआ तो ग्लेशिएशन से बनी, किसके प्रोसेस से बनी, ग्लेशिएशन के प्रोसेस से बनी। एक किसके प्रोसेस से बनी आपका, एक किसके प्रोसेस से बनी, एक रिवर वैली के प्रोसेस से बनी, ये ग्लेशिएशन के प्रोसेस से बनी। तो क्या होगा, ये हमेशा याद रखना, ये यू शेप्ड वैली बनेगी, ये क्या बनेगी, यू शेप्ड वैली बनेगी, ये यू शेप्ड वैली बनेगी, और जो इसमें माउंटेन है वो पैरेलल होंगे, ना कि इस तरह, माउंटेन इज पैरेलल टू द कोस्ट, और यू शेप्ड वैली बनेगी, और माउंटेन पैरेलल होंगे, और ये क्या होगा, जो सी होगा ना वहां पर स्टीप साइडेड इनलेट होगा और नैरो होगा टूवर्ड्स द सी, और जो डेप्थ होगी इसकी टूवर्ड्स द सी वो कम हो जाएगी, किसकी, फ्योर्ड कोस्ट की, फ्योर्ड कोस्ट की डेप्थ कम हो जाएगी। समझ में आ गया, यही तो बात बोला है कि जो हमारा माउथ है फ्योर्ड कोस्ट का, जो फ्योर्ड कोस्ट का माउथ है, यहां पर जो आप जैसे जैसे वाटर की तरफ जाएंगे तो जो डेप्थ है ना वो सैलोअर होती चली जाएगी, और वही हमारा जो रिया कोस्ट था उसमें डेप्थ इंक्रीज होती जा रही थी। टूवर्ड द सी सैलो है, इसी वजह से ये फ्योर्ड कोस्ट है, ये ग्लेशिएटेड वैली वैली की बन रही है। इसके जो माउंटेन्स हैं वो आपके पैरेलल हैं, उसके परपेंडिकुलर थे, इसकी डेप्थ आपकी टूवर्ड द सी डिक्रीज हो रही है, उसकी इंक्रीज हो रही थी, ये बेसिक से कुछ फीचर्स है। सॉरी, इसमें यार गाइस थोड़ा कंफ्यूज हो गया, इसमें एक चीज याद रखना, इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी माउंटेन 90 डिग्री पर ही होंगे, इसमें भी माउंटेन 90 डिग्री पे होंगे, जो मैंने पैरेलल बताए ना वो डालमिशियन कोस्ट में होते हैं, डालमिशियन कोस्ट में पैरेलल होंगे, इसमें भी 90 डिग्री होंगे। एक तो इसमें ग्लेशिएशन और रिवर वैली का डिफरेंस है, किसका, ग्लेशियर का और रिवर वैली का, वहां पर वी शेप्ड वैली बनती थी, यहां पर यू शेप्ड वैली बन रही है, ठीक है। यहां पर जैसे जैसे सी की तरफ जाएंगे आपकी डेप्थ कम होगी, थोड़ी कम होगी, वहां पर क्या हो रही थी, ज्यादा हो रही थी। ये चीजों का ध्यान रखना है हमें, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, ठीक है, समझ में आया, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, और कुछ नहीं है। समझ में आ गया यहां तक, बिल्कुल बस यही बेसिक पॉइंट है और कुछ नहीं है। अब हम डालमिशियन कोस्ट है ना, डालमिशियन में क्या होगा, ये लॉन्गिट्यूडनल कोस्ट है, रन पैरेलल टू द कोस्ट, जो माउंटेन है वो रन पैरेलल टू द कोस्ट करेंगे, ठीक है। सो जो माउंटेन है वो आपके पैरेलल टू द कोस्ट करेंगे, ये पॉइंट आपको याद रखना है, जो माउंटेन है आपके डालमिशियन कोस्ट पे, जहां पर तो इस शेप में थे, ये आपका कोस्ट है, ये 90 डिग्री पे माउंटेन इस तरह खड़े हुए हैं, यहां पर माउंटेन इस तरह होंगे आपके, ये चीज आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना, किस तरह माउंटेन होंगे, एक माउंटेन मैंने इस तरह लगा दिए, ठीक है, यहां पर एक माउंटेन इस तरह लगाता चला गया, एक माउंटेन, दो, तीन, एक माउंटेन आपको इस एंगल पे दिख रहे हैं, फिर एक मैंने इस एंगल पे दिखा दिए, तो ये आपके माउंटेन डालमिशियन में क्या होगा, जो माउंटेन होंगे वो पैरेलल होंगे, ठीक है, क्या होंगे, पैरेलल होंगे। जहां पर जो सबमर्जेंस कोस्ट है वो आपकी क्या होगी, पैरेलल होगी आइलैंड्स के कोस्ट के जो माउंटेन्स है, मतलब जहां पर जो सबमर्जेंस कोस्ट है, जो सबमर्जेंस कोस्ट लाइन है, जब सबमर्जेंस कोस्ट लाइन होगी, माउंटेन इस तरह होंगे, तो ये जो आइलैंड है ना, ये वाली कोस्ट होगी इसकी, क्योंकि माउंटेन है, तो जो ये माउंटेन है ये पैरेलल होंगे टूवर्ड्स द कोस्ट, क्या होंगे, टूवर्ड्स द कोस्ट, और यहां पर ये नैरो इनलेट बनाएंगे, क्या करेंगे, एक नैरो इनलेट बनाएंगे, देखिए ये दिख रहे हैं आपको, एक पैरेलल देखिए, यहां पर
ये माउंटेन क्या है, पैरेलल हो रहे हैं कोस्ट के, और यहाँ पर एक नैरो ये वैली बनाएंगे, स्ट्रेच बनाएंगे इनके बीच में, किसमें, डालमिशियन कोस्ट में। ओके, अब बात करते हैं एस्चुरियन कोस्ट क्या होता है। व्हाट इज एस्चुरियन कोस्ट? आपको पता है बेसिकली जो इंडिया में एस्चुरियन कोस्ट वहां पर बनती है जहां पर रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स जितने कम लेके आएगी वहां पर एस्चुरी बनेगी, जहां पर जितने कम सेडिमेंट। अब बोलोगे सर जो वेस्ट कोस्ट रिवर है वो एस्चुरी बनाती है, इसलिए एस्चुरी बनाती है क्योंकि वो हार्ड रॉक से फ्लो होती है, एक तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ये बहुत सारे पॉइंट है। हार्ड रॉक से फ्लो करेगी तो इरोजन कम होगा, जितना कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उतना कम इरोजन होगा, और जितना कम डिपोजिशन होगा वहां पर बनेगी एस्चुरियन कोस्ट। ठीक है, यही तो बोला है, बेसिकली कोस्ट मेड बाय एस्चुरीज, स्ट्रीम्स ऑफ रिवर फ्रीली फ्लोइंग इनटू द सी मेकिंग देम एक्सीलेंट साइट फॉर द पोर्ट। मतलब कुछ भी सेडिमेंट्स लाके डेल्टा ना बनाए, सीधा समुद्र में आके मिल जाए, एस्चुरी फॉर्मेशन करे, और यहाँ पर पोर्ट्स के लिए बहुत ही सूटेबल साइट होती है। इसीलिए आपको पता है जो इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट है वहां पर नेचुरल पोर्ट मिल जाएंगे आपको, नेचुरल हार्बर मिल जाएंगे जो ऑटोमेटिकली बने हुए हैं, क्योंकि वहां पर डेल्टा नहीं है, डेल्टा नहीं है तो सेडिमेंट्स का क्रिएशन नहीं है, सेडिमेंट्स नहीं है तो शिप इजली आपका कोस्ट पर एक हार्बर बहुत ही नेचुरल बन सकता है एस्चुरियन कोस्ट पे। माउंटेन की हाइट एज सच कुछ नहीं है, क्लिफ्स होती हैं, रेंजेस होती हैं, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स, उसे कोई एग्जैक्ट आपका उससे कोई मतलब नहीं है, बस एक रेंजेस टेप शेप में होती हैं, रेंजेस या माउंटेन रिजेस होती हैं। ठीक है, एस्चुरीज पार्शली एनक्लोज्ड बॉडी ऑफ ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर का आपकी एक बॉडी बन जाती है। हमेशा देखा होगा केरला जो वेस्टर्न कोस्ट है वहां पर ब्रैकिश वाटर होता है। जो ब्रैकिश वाटर होता है ना, क्या होता है ब्रैकिश वाटर, पहले ये समझ लीजिए, जो ब्रैकिश वाटर होता है ना, यहाँ पर ये ओशियन वाटर है और ये फ्रेश वाटर है, इनके जो बीच का लेवल होता है उसे ब्रैकिश वाटर कहते हैं। ठीक है, ओके, तो आपको हमेशा समझ रहे हो, आपको समझ में आया वाला पॉइंट कि जो ब्रैकिश वाटर होता है वो ओशियन वाटर, और जो फ्रेश वाटर होता है उनकी जो बीच की सैलिनिटी होती है वो होती है, और जो एस्चुरी होता है ये आपका रिवर और मैरीटाइम एनवायरनमेंट के बीच का ट्रांजिशन जोन। मतलब कैसे, ये मेरा कोस्टल एरिया है और यहाँ पर ये मैरीन वाटर है, इसके बीच में एस्चुरीज बन गई, यहाँ पर ये जो आपका रिवर एनवायरनमेंट है और यहाँ पर मैरीन है, उसके बीच का एनवायरनमेंट है, यहाँ पर ट्रांजिशन है दोनों के बीच का एस्चुरियन कोस्ट पर। ये किससे बन रही है, ये आपके टाइड वेव्स, और जो इनसे रिवर के जो रिवराइन इन्फ्लुएंस है, जो फ्रेश वाटर होता है उसके जो थोड़े बहुत सेडिमेंट्स आते हैं वहां से एस्चुरियन कोस्ट बनती है। देखिए ये रहा एस्चुरियन कोस्ट, एस्चुरियन कोस्ट में क्या होता है, जो रिवर आती है ना वो डेल्टा बना देती है यहाँ से, तो इनकी रिवर इतना सेडिमेंट कलेक्ट नहीं करती, तो क्या करता है जो ओशियन वाटर होता है ना वो पीछे की तरफ चला जाता है, और उसके बाद जो सेडिमेंट्स होता है यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है दोबारा, तो यहाँ पर बन जाता है बैक वाटर। ये इस तरह से क्या होता है एस्चुरियन, क्या होती है एस्चुरियन कोस्ट होती है। इस वाले टॉपिक को थोड़ा सा समझने में अगर आपको इश्यू आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा भी चीजें समझा दूंगा, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है वो ये समझना है कि आपको चीजें एक बार खुद से पढ़नी है, और उसके बाद कोई डाउट होता है तो मुझे बताना। जब खुद से चीजें पढ़ोगे ना तो आपको और कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस। ठीक है, अब बात करते हैं कोस्ट लाइन ऑफ एमर्जेंस, जो हमारी कोस्ट लाइन है कब एमर्ज होगी, कब ऊपर की तरफ होगी, उसके दो फीचर है, या तो आपका लैंड लेवल है वो ओशियन लेवल से राइज हो जाए, पहला पॉइंट, या आपका सी लेवल राइज हो जाए। ठीक है, नहीं सॉरी, या तो आपका लैंड लेवल राइज हो जाए या सी लेवल आपका क्या हो जाए, डाउन हो जाए। ठीक है, जब आपकी कोस्ट बनेगी या तो आपका जो लैंड लेवल है वो राइज हो जाए या सी लेवल डाउनवर्ड हो जाए, तब बने कोस्ट लाइन ऑफ एमर्जेंस।
ठीक है बताइए, कुछ इश्यू आ रहा है आप लोगों को, चीजें में मजा नहीं आ रहा, ये चीजें अभी आपको लग रही है, ट्रस्ट मी जब आप चीजों को खुद से पढ़ोगे ना तो आपको सब समझ आने लगेगा, एक एक चीज समझ आने लगेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। अच्छा मुझे ये बताइए, 4 PM क्लास करनी है आज, किसके ऊपर क्लास ले, कोई अच्छा सा टॉपिक, स्पेशल क्लास लेने हैं ना अकेडमी ऐप पे। आज मैं सोच रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं, उन्होंने बोला था कि सर हमारा जो क्लाइमेट वाला लेक्चर है अभी भी मैसेज आ रहे हैं, उन्होंने मिस कर दिया आपका जो स्पेशल क्लास है, तो मैं 9:30 या 9 PM के अप्रोक्स क्लाइमेट वाला यूट्यूब पे करवाना सोच रहा हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सबसे ज्यादा इशू क्लाइमेट के पे आता है। और प्रॉब्लम थी, मुझे लगा मैं अनअकैडमी ऐप पे करवा दूंगा तो इशू रिजॉल्व हो जाएगा, तो 9:30 पे मैं सोच रहा हूँ आज उसे यूट्यूब पे करवा दें, हम जो क्लाइमेट है उसे पूरा कवर करवा दें, इंडिया के सारे फीचर्स कवर करवा दें। और 4 PM पे बताइए क्या स्पेशल क्लास, किस में डाउट आ रहा है आप लोगों को। क्लाइमेट को 9:30 पे यूट्यूब पे क्लास करवा देंगे आज इवनिंग में, नाइट में, और आप 4 PM की क्लास डिसाइड कर दिए, बताइए फटाफट। उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस। आप एक चीज बताइए, पहले मुझे ये बताइए, ये जो टॉपिक मैं समझा रहा हूँ आपको समझ भी आ रहे हैं। देखिए पता है क्या है, जब मैं एज अ स्टूडेंट था, मैंने इनिशिएट किया था ना सबसे पहले, तो मुझे तो समझ आया नहीं था, मुझे टीचरों ने बताया था पर मुझे समझ नहीं आया था, मैं था टेक्निकल बैकग्राउंड का बंदा, मैं बीटेक था, मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए थे, मुझे खुद से ही कंसेप्ट क्लियर हुए। पर आप ये बताइए, आपको कुछ चीजें समझ में आ रही हैं जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा बेटर है कंपेयर टू जो बुक में आप चीजें पढ़ रहे थे, अगर थोड़ा सा भी सिर्फ इस टॉपिक में, और टॉपिक तो आप मेरे पे छोड़ दीजिए, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से यहीं पे क्लियर होता है, पर ये थोड़ा सा सबमर्जेंस अमर्जेंस, उसके बाद रिया पोर्ट कैसे माउंटेन पैरेलल परपेंडिकुलर, कोई रिवर वैली में बन रहा है, कोई ग्लेशियर में बन रहा है, कोई वी शेप्ड बना रहा है, कोई यू शेप्ड बना रहा है, ये अभी आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग रही होंगी चीजें, बट आप खुद से जब चीजें करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी चीजें। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ओके। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस क्या होता है। इसमें अपलिफ्टेड लो लैंड कोस्ट है, मतलब जो हमारा लैंड है वो अपलिफ्ट हो गया है, ठीक है, क्या हो गया है, जो हमारा लो लैंड है वो अपलिफ्ट हो गया है, और जब लो लैंड अपलिफ्ट हो गया है दैट मीन्स हमारी कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ना वो राइज हो गई है, ठीक है। हमारा जब लैंड आपका क्या हो गया, अपलिफ्ट हो गया है, तो क्या होगा कि आपका जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो अपलिफ्ट हो गई है, समझ में आया। तो उससे क्या होगा, जब ऑफशोर वाटर होगा, जब ऑफशोर वाटर होगा, जो वाटर ऑफशोर से, तो किसका फॉर्मेशन होगा, लगूंस का फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट मार्शेस का फॉर्मेशन होता है, मड फ्लैट्स का फॉर्मेशन होता है। तो याद रखना हमेशा कि जब भी आपका अपलिफ्ट लोलैंड होगा, जो आपकी कोस्ट ऑफ इमरजेंस होगी, कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस तो हमने रिया कोस्ट, फियो एस्चुरीन कोस्ट, डालमिशियन कोस्ट के बारे में पढ़ा, इसमें क्या हुआ, इसमें जैसे आपकी जो कोस्ट लाइन थी, जो कोस्ट लाइन थी ना पहले, जो अपल, देखिए आप एक पॉइंट समझिए, एक सिंपल सा पॉइंट बताता हूँ आपको क्या हो रहा है आपका इस वाले फीचर में। देखिए आपको एक सिंपल सा पॉइंट बता देता हूं, यहां पर है ना जो अपलिफ्टेड लैंड है, ये मेरा ओशियन है, यहां पर मेरा कोस्टल एरियाज है, और इधर से ओशियन है। तो अब क्या होगा ना, जो ये कोस्ट लाइन पहले यहां पे थी ना अपलिफ्ट वाले में, अब ये कोस्ट लाइन आपकी शिफ्ट हो जाएगी आगे, ये पॉइंट याद रखना है। अपलिफ्टेड लोलैंड वाले एरिया में जो कोस्ट लाइन है ना, जो पीछे थी कॉन्टिनेंटल शेल्फ, अब वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ बड़ी हो जाएगी, क्यों बड़ी हो जाएगी, इमर्जिंग हो जाएगी कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और इमर्जिंग होने से आपके वहां पर जो डिपॉजिट हुए हैं सैंड के, ग्रेवल्स के, बीचेस के, मैरीन ड्यून्स के, उसने क्या किया,
अपलिफ्टेड लोलैंड कोस्ट में आपने इसका जो कोस्ट था वो अमर्ज कर दिया बाहर की तरफ और एक्स्ट्रा निकल गया। ठीक है, अब क्या हुआ, जहां पर पोर्ट्स पहले लोकेटेड थे अब क्या हो गया, अब वहां पर इनलैंड टाउन बन गए। पहले पोर्ट यहां पर थे, अब क्या हुआ, कोस्ट आगे शिफ्ट हो गई तो पोर्ट्स तो यहां पे बनेंगे ना, समझ में आया आपको ये वाला पॉइंट जो मैं बताइए, ये वाला पॉइंट समझ में आया, क्या पॉइंट बताया मैंने, पहले जो कोस्ट हमारे पीछे थे अपलिफ्टेड लोलैंड कोस्ट में, अब क्या हुआ, लोलैंड अपलिफ्ट हो गया तो आगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ बढ़ गई और कॉन्टिनेंटल शेल्फ बढ़ने से वहां पर लगून सैल्ट मॉर्सिस बने, फिर डिपोजिशन हुआ सैंड्स का, डिपोजिशन होने से यहां पर पोर्ट है, अब वो पोर्ट आगे की तरफ शिफ्ट हो गया और पीछे वाले एरिया में हमारा इनलैंड टाउन्स बन गए। क्या बन गए, इनलैंड टाउन्स बन गए। ठीक है, यही तो है, देखिए क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, हमारा जो पोर्ट है पहले यहां पे था, पहले यहां पे थी हमारी कोस्ट लाइन, अब वो कोस्ट लाइन आगे की तरफ शिफ्ट हो गई है, ये दिख रहे हो आप यहां पर, और ये स्पिट बन गया है, यहां पर ये हुक बन गया है, डिपोजिशन से ही तो बन रहा है ये जो हमारे सैंड डिपोजिट हो रहे हैं, ओल्ड कोस्ट लाइन अब आगे की तरफ शिफ्ट हो गई है, जो हमारी अपलिफ्टेड लोलैंड वाला एरिया है उसमें, और जो हमारा दूसरा क्या आता है, हमारा दूसरा आता है कि आपका इमर्जेंट अपलैंड, जो हमारा दूसरा है उस वाले एरिया में क्या होता है, देखिए उसमें क्या होता है, जब हमारा अर्थ का मूवमेंट होता है तो हमारा जो बीच है ना, आपने देखा होगा ये बीच है, बीच है, अब जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ आगे की तरफ थी ना वो पीछे की तरफ चली गई, अब वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ आगे की तरफ थी ना वो पीछे की तरफ चली गई इसमें, और इसमें पीछे की तरफ जाने से क्या बन गया, आपकी क्लिफ्स बन गई, आर्चेस बन गए, आर्क बन गए, और यहां पर स्टैक बन गए। पहले में क्या हो रहा था, पहले में तो क्या हुआ, हमारा जो बीच थे वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ आगे आ गई, इसमें क्या हुआ, जो बीच थे ना कॉन्टिनेंटल आगे आने से सैलो हो गई, आगे आ गई ना तो सैलो लैंड हो गया, अब क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ की जो बीच है वो राइज कर गए, इरोजन पीछे की तरफ यहां से लग लग के डिपोजिशन कर करके, डिपोजिशन कर करके सेडिमेंट्स उसने यहां पर क्लिफ बना दी, सारा सेडिमेंट्स यहां पर ला दिया, और जो बीच थे वो रेज्ड हो गए, और रेज्ड होने के बाद क्या होगा, फिर इरोजन होगा, फिर केव बनेगी, फिर केव बनने के बाद स्टैक्स बनेंगे और अदर कोस्टल फीचर्स बन जाएंगे। ठीक है, यहां पर ये वाली चीजें होंगी, क्लियर हुआ, बताइए यहां पर, ये देखिए क्या हुआ, पहले यहां पे थी ना जो क्लिफ, अब वो क्लिफ यहां पर बन गई है, पहले जो क्लिफ यहां पर थी हमारा ओल्ड प्लेटफॉर्म, अब इरोजन कर करके, डिपोजिशन कर करके, डिपोजिशन कर करके यहां पर एक्यूमुलेट कर दिया है, और यहां पर बन गई है आपकी क्लिफ, क्या बन गई है, क्लिफ बन गई है इस तरह से, क्योंकि डिपोजिशन इधर होता जा रहा है, अब डिपोजिशन इधर होता जा रहा है तो यहां पर क्लिफ बन गई है, और उन्हीं क्लिफ से जब यहां पर ये वेव्स आके हिट करेंगी तो केव्स बनेंगी, केव्स बनने के बाद फिर आर्क बनेंगे, आर्क बनने के बाद फिर स्टैक बनेंगे, स्टैक बनने के बाद फिर स्टंप बनेंगे, ये लैंडफॉर्म्स आपका हो जाएगा जब सी लेवल रेज्ड हो जाएगा। उसमें क्या हुआ, उसमें तो सी लेवल सैलो हो गया था क्योंकि कॉन्टिनेंटल शेल्फ नीचे आ गई थी, एक्स्ट्रा बन गई थी हमारी, बट इसमें क्या हुआ, इसमें क्लिफ बन गई, पीछे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ थी वो ना होने के बाद और क्लिफ बन गई यहां पर, किसमें, रेस्ड बीच वाले फीचर में। हाँ, जो एमर्जेंस वाला है वो लेंथनिंग कर रहा है आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ की, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्लिफ्स बन रही हैं, बार बार आके वो डिपोजिशन हो के, सैंड कलेक्ट हो के क्लिफ बन गई है, और उन्हीं क्लिफ से केव, आर्क, स्टैक और स्टैम बने। क्लिफ नहीं, 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 क्लिफ डिपोजिशनल से नहीं बनेगा, क्लिफ हमेशा इरोजनल से बनेगा। क्या हुआ, देखिए दो चीज समझना, कैसे बनेगा, जो आप समझ रहे हो ना वो क्या हुआ, वो जो क्लिफ बना ना वो रॉक कट करने से बना, मेरा कोई रॉक है वो कट हुआ, कट 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 करके क्लिफ बना दिया यहाँ पे,
ये तो मेरा हुआ इरोजनल से, अब मेरा यहाँ पर कुछ लैंड है सिंपल, बट यहाँ पर आते गए इरोजनल फीचर वो यहाँ पर डिपॉजिट होते चले गए और उसने क्लिप बना लिया। तो बेसिकली अगर पहले से आपका क्या है रॉक है तो इरोजन करके क्लिप बन जाएगा, पर डिपोजिशनल से क्लिफ बनेगा आपका इमर्जेंट अपलैंड कोस्ट वाले एरिया में। समझ में आया ये वाला पॉइंट? बताइए, मैंने अपने एंड से जितना बेस्ट समझा सकता था ना, ट्रस्ट मी मैंने वो आपको आराम से समझाने की कोशिश की है, पर कुछ पॉइंट है जो आपको लगेंगे कि सर मुझे और कंसेप्चुअल क्लियरिटी है, जीसी लियोंग पढ़ना उसके बाद भी कोई डाउट आता है, दोबारे क्लास लेंगे दोबारे समझेंगे, पर टॉपिक क्लियर होना चाहिए आप लोगों का। मैं अब आपको क्या है, सबको कंसेप्ट क्लियर हुआ यहाँ तक? क्या टाइम हो रहा है? 12 PM हो रहे, क्लास खत्म होने वाली है। 4 PM पर एक स्पेशल क्लास में अनाउंस कर देता हूँ अभी हाफ एन आवर में टॉपिक डिसाइड करके, देन 9:30 पे आई थिंक क्लाइमेट को बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आए हैं, क्लियर ही नहीं हो रहा है क्लाइमेट, पता नहीं कि सर कहीं पर कुछ और बता रहे हैं कहीं पर कुछ, क्लाइमेट का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व तो हो गया श्वेता, ठीक है बायोस्फीयर रिजर्व करवा चुके हम। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इस टॉपिक के बाद आपके पास आफ्टर 2 PM आप सब लोग इस टॉपिक को पढ़िए और डिस्कशन होना चाहिए ग्रुप में, हेल्दी डिस्कशन कि किसके क्या डाउट है और किसको क्या क्लियर हुआ आफ्टर 2 आवर, ठीक है, और हेल्दी डिस्कशन, ये नहीं फालतू में, आपके लिए ग्रुप बनाया तो चीजों को आराम से अपने एंड से, ठीक है गाइस, जो आपका पर्सनल जो आपके डिस्कशन के लिए ओके। मैपिंग सीरीज, ठीक है, तो मैं मैपिंग सीरीज आज क्लाइमेट कवर कर लेते हैं, तो विद इन एक काम करता हूं मैं, आई थिंक कल मैं 3-4 क्लास ले लूं आपकी यूट्यूब पर फिर मैपिंग सीरीज की। ये नेक्स्ट मंथ से पता है मैं क्या करने वाला हूं, नेक्स्ट मंथ से मैं जो आपकी स्पेशल क्लास है पक्का वहां पर करंट अफेयर स्टार्ट होगा। सेकंड थिंग क्या होगी कि करंट अफेयर्स के साथ साथ में मैपिंग सीरीज का कल 3-4 लेक्चर ले लें, मैपिंग सीरीज की कंप्लीट जो भी रिमेनिंग टॉपिक बचते हैं, मिनरल्स बचते हैं, इन सब चीजों को कवर कर लें। ठीक है, तो चीजों को थोड़ा डिस्कशन हेल्दी किया करो, चीजों को मतलब लाइटली चीजों मत लो, अच्छे से अपने कैरियर को लेके अच्छे से फोकस्ड होके प्रिपरेशन करो यार, एक लाइफ है बहुत डेडिकेशन के साथ करो, मतलब सिस्टम में आना है ना कुछ चेंजेस लाने हैं तो उसके लिए वर्क करो, और ट्रस्ट मी बहुत ही रॉयल जॉब है यार, इतनी लाइफ मतलब लाइफ चेंज हो जाएगी। एक होता है ना हम सोचते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं सिस्टम में, इतनी पावर होती है, तो उसे अच्छे से चीजों को कवर करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको हेल्प कर रहे हैं हम हर चीज की तरफ से तो अपना 100% दीजिए, और फिर मैं बोलूंगा कि अगर आपको जितना जल्दी चीजें कवर करनी है उसके लिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन वन ऑफ द बेस्ट सब्सक्रिप्शन है। AM10 कोड यूज करते हैं आप कैपिटल तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एज अ गाइड एज अ मेंटर मैं प्रिपरेशन में हेल्प करूंगा, कौन सी बुक लिस्ट पढ़नी है, कैसे चीजें कवर करनी है, क्या रिसोर्सेस कवर करने हैं क्या नहीं करने हैं, तो ये सारी चीजें जब कवर होंगी ना तो बहुत डिटेल में सिस्टमेटिक वे में आपकी प्रिपरेशन होगी, जो आप इरेगुलर चीजें पढ़ते जा रहे हो, प्रॉब्लम क्या हो रही है सबसे बड़ी, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है इंडिया में, बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, टॉपर्स के इंटरव्यू ले लेते हैं, उन्हें पैसा दे देते हैं, बोलते हैं फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, फिर उसके बाद सुनिए कि सर मैंने तो द हिंदू पढ़ा ही नहीं था, स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे हैं सर उन टॉपर ने तो कहा द हिंदू पढ़ा ही नहीं है, एक बोल रहे हैं सर उन्होंने तो मना कर दिया NCERT पढ़ने के लिए। अरे सर बेसिक रिसोर्सेज पे जाइए, बेसिक चीजों को फॉलो कीजिए, एक्सेप्शन आर एवरीवेयर, हमेशा हर जगह एवरीवेयर एक्सेप्शन मिलेंगे आपको, आपको एक पर्टिकुलर 90% स्टूडेंट जिस पाथ को फॉलो करके गए हैं उस पाथ को आपको चलना है, आपको ये नहीं कि उसने दाइंदू नहीं पढ़ा मैं भी नहीं पढ़ूंगा, उसने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी तो मुझे भी नहीं पढ़ूंगा। सर जो बेसिक बुक्स हैं जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको फुलफिल करनी है, और उसके लिए बहुत अच्छे से गाइडेंस की जरूरत है, क्या रिसोर्सेज कवर करने हैं क्या नहीं करने, क्योंकि मैंने तो देख लिया इस समय ऑनलाइन जैसे जो एजुकेशन है उसे कहीं ना कहीं आपके जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है बहुत सारे उन्होंने क्या कर दिया है, फीस तो 2 लाख कर दी है, इतना कमर्शियलाइजेशन कर दिया है एजुकेशन का कि हर जगह बस अपने अकॉर्डिंग ये टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिए,
फर्स्ट डे से ही टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए, पहले दिन से ही टेस्ट सीरीज करना स्टार्ट कर दीजिए, पहले दिन से ही आंसर राइटिंग। सर कंसेप्ट तो क्लियर करने दीजिए स्टूडेंट को, तभी तो चीजें बिल्डअप होंगी आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स जब चीजें सीखेगा वो। पहले से ही टेस्ट सीरीज, टॉपर ने कहा पहले दिन से ही टेस्ट सीरीज लगा दीजिए, आंसर राइटिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे। सर किसी की आंसर राइटिंग अच्छी नहीं होती, बात करते हैं कि बहुत अच्छी आंसर राइटिंग है इस वजह से उसने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर लिया। आंसर राइटिंग नाम की कोई चीज नहीं होती, आपके पास क्वालिटी एजुकेशन होगी, क्वालिटी कंटेंट होगा ना, तो आप अपने आप चीजों को क्या करने लगोगे, अपने आप लिखना स्टार्ट कर दोगे। यार आपके पास कंटेंट है नहीं, आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। कंटेंट सॉलिड होगा तो राइटिंग स्किल ऑब्वियसली इंप्रूव हो जाएगी, वो फैक्ट में मान सकता हूँ। कुछ एडवांटेजेस होती हैं, आपके वोकैब्स अच्छे हो सकते हैं, आपके जो थिंकिंग है वो अच्छी हो सकती है, पर वो भी कब वर्क करेगी, जब आपके पास नॉलेज होगी। नॉलेज ही नहीं है आप, वैसे ही आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स अच्छी है। आंसर राइटिंग सर कंटेंट पढ़ोगे, आंसर राइटिंग स्किल्स अपने आप अच्छी हो जाएगी, पॉइंट अपने आप ऐड होने लगेंगे। तो चीजों को बहुत ध्यान से समझ के करने की कोशिश करना, और मैं फिर यही बोलूंगा अनअकैडमी इस समय नो मैच, एक रीजनेबल फीस में विदाउट एनी फर्दर टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ एक कोर्स में इंक्लूड कर दिया। अदरवाइज 2 लाख फीस दीजिए, अलग से टेस्ट सीरीज दीजिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अलग से कीजिए, बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको चीजें अवेलेबल हो जाएंगी जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगी। ठीक है, ओके गाइज, तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो यही है। 4 PM पे देखते हैं, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जैसे भी होगा स्पेशल क्लास का। ओके, सो बाय, टेक केयर।